मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 12 चैप्टर लेंगे पाइथन पांडा, वो स्टार्ट करेंगे आज। क्योंकि आपके सिलेबस 12 में लंबाई है, हटा दिया गया है, इसलिए पाइथन पांडा को इंक्रीज कर बढ़ा दिया गया है। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में 30% से 40% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसको लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो पांडास क्या होता है? पांडास इज द मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी। क्या है ये? जैसे क्या है, पाइथन लाइब्रेरी है। पांडास क्या है? पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है। दैट इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस। तो लोग ये पाइथन लाइब्रेरी क्यों यूज करते हैं? पांडास डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए। ही कैन एनालाइज डेटा इन पांडास विद सीरीज और डेटा फ्रेम। दो तरीके से हम लोग पांडा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम के थ्रू। अब ये डेटा एनालिसिस क्या है? जैसे आपने एमएस एक्सेल पढ़ा होगा, एमएस एक्सेल पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है एनालाइज करने में, क्योंकि पाइथन क्या है, ऑटोमेटिक डेटा को एनालाइज करेगा। इसमें हम मोस्टली खुद ही करते हैं एनालाइज, और हमें इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन जितना सिंपल ये है उतना सिंपल ये नहीं है। इसलिए हम पांडा से यूज करते हैं, लैंग्वेज से यूज करते हैं, और पाइथन लाइब्रेरी पांडा से यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज से हम लोग डेटा कैसे एनालाइज करते हैं। सीरीज क्या है? सीरीज इज वन डायमेंशनल। सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल एरे है, मतलब एक डायमेंशनल होगा या फिर ऐसे ऐसे लाइन में होगा, केवल वन डायमेंशनल, ठीक है। तो वन डी एरे डिफाइन पांडास दैट कैन बी यूज टू स्टोर एनी डेटा टाइप। मतलब वन डायमेंशनल है और हम किसी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब एनी डेटा टाइप मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर नंबर्स भी आ जाएंगे, अल्फाबेट भी आ जाएंगे, सिंबल्स भी आ सकते हैं। तभी इसमें लिखा है स्टोर एनी डेटा टाइप। और इसका एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पांडास में यूज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। अब यहाँ पे ये पीडी में क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है आप ये लिखें, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप एस पांडास पीडी लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए, आप इम्पोर्ट पांडास लिखिए केवल। लेकिन हम इसलिए इसको लिखते हैं कि ये शॉर्ट में हमने इसी जगह इसको ये मान लिया, इसलिए हमने पीडी लिखा है। तो हमने एक लिस्ट ली, हमने क्लास 11 आपको लिस्ट पढ़ाई थी, इसका स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हम लोग वैल्यू इंसर्ट कराते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्या होता है? लिस्ट होती है, ठीक है। हमने एक लिस्ट लिया, हमने नंबर इंसर्ट कराए 1, 4, 5, 6, 8। उसके बाद हमने क्या किया, एक वैल्यू लिया एस की, उसी वैल्यू ले सकते हो। ये लिस्ट हमने लिया, यहाँ कुछ भी आप ले सकते हो वैल्यू, ये जो चीज है ये आप कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, यूजर डिफाइन है। तो हमने यहाँ क्या लिया, ऐसे ही है, तो ऐसे हमने इक्वल टू पी डी, तो हमने यहाँ पे ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं पी डी डॉट सीरीज, मतलब क्या लिख रहे हैं सीरीज और लिस्ट। इस लिस्ट को मुझे किसने बनाना, सीरीज में डेटा बनाना है। उन्होंने प्रिंट एस की, प्रिंट एस ही किया, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए आउटपुट ये क्या, इंडेक्स बाई डिफॉल्ट ये इंडेक्स आएगा, बाई डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। इसके हिसाब से जो आपने यहाँ पे वैल्यू दिए दे रखी है उसी हिसाब से इंडेक्स डिफाइन हो जाएगी। जैसे 0 से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, और ये क्या है कॉलम, क्या है ये कॉलम डेटा जो हमने यहाँ पे लिया है, और ये डेटा ये यहाँ पे लिस्ट है, क्या है यहाँ पे
तो ये लिस्ट डिफाइन करेगा। तो ये कॉलम है और ये बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4। तो दूसरा क्या, अगर आपको यहाँ पर भी इंडेक्स डिफाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते, देखिए अपने यहाँ पे यहाँ लिखा है, सबसे पहले आपको इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। इंडेक्स इक्वल टू हमने लिस्ट स्टार्ट के लिया है ए बी सी डी ई। अब आप कहेंगे सर इसमें ऐसे क्यों लिखा, इसमें ऐसे लिखा होगा, क्योंकि ये क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, इसका की वैल्यू है स्ट्रिंग। देखिए ये सिंगल कोट में दे रखा है हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, तो हमने क्या इंडेक्स डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने ऐसी टू ले लिया वेरिएबल, और यहाँ पे अब यहाँ पे जो ऐसी टू है और यहाँ पे ऐसी, इसलिए यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं पी डी डॉट सीरीज डेटा, डेटा के लिए क्या होगा लिस्ट होगा, क्या होगा लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट ये क्या है कॉलम, और ये क्या है रोज डिफाइन करेगा ये। तो मैं हम प्रिंट एस ई टू कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट इसका हमें क्या मिलेगा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स, क्या लिखेंगे इंडेक्स, और दूसरा क्या लिखेंगे लिस्ट। अब इंडेक्स में क्या है ये B, C, D और E। अब A पे वैल्यू क्या है 1, D पे क्या है 4, C किसको डिफाइन करेगा 5 को, D 6 को और E 8 को। तो ये हमारा सीरीज ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सीरीज समझ आ रहा है, सीरीज क्या है, कुछ भी डाउट हो लोग लाइव क्लास लेंगे उसमें आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें होती है आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हो। और वीकली 1 लाइव क्लास होगी, शायद मैं घूम तक कर ले लो लाइव क्लास और उसको उसमें डिस्कस कर सकते हो। उसको अपने नोट्स क्रिएट करते रहना, नोट करते रहना, इसको हम लोग कर पढ़ेंगे। थैंक यू।